इस घटना से केवल नर और नारायण ही भावुक नहीं हो गए थे, बल्कि बैकुंठ में बैठे श्री हरि की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ममता के लिए तरसने लगे थे वो, इसीलिए उनके इस अवतार का मुख्य उद्देश्य है मां की ममता का अनुभव करना। यही कारण है कि ये सत्य आपको रानी यशोदा से छुपाना ही होगा नंदराज, नहीं तो वो कृष्ण को मां की दृष्टि से नहीं, एक भक्त की दृष्टि से देखेंगी। और प्रभु जिस आनंद के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं उससे ही वंचित रह जाएंगे। बोलिए नंदराज, आप श्री नारायण के इस सत्य को गुप्त रखेंगे ना? प्रभु ने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है गुरु, यशोदा से तो ये सत्य मैं छुपा भी लूंगा, परंतु स्वयं से कैसे छुपाऊंगा? और बाबा होने को सुख, उसको अनुभव कैसे कर पाऊंगा? जो हो रहा है और जो भी होता है सब उनकी ही इच्छा से होता है नंदराज, इसलिए आगे का मार्ग भी वही दिखाएंगे। अब मैं चलता हूं नंदराज, राजा वसुदेव और रानी देव की नामकरण के बारे में जानने के लिए व्याकुल हो रहे होंगे। नंदराज अपने आप को संभालिए और शांत चित से घर लौटिए। और हां, स्मरण रखिए कि प्रभु ने आपको बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा है, आपको उसे निभाना ही होगा। प्रभु आपको शक्ति दे। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं नंदराज, जो प्रभु आपके घर पल रहे हैं उनके बारे में सोचिए जिनके यहां प्रभु ने जन्म लिया है। वो दोनों तो प्रभु की बाल लीलाओं से पूरी तरह से वंचित हैं। बाबा लल्ला जो आए क्यों ना अब तक? तेरा लल्ला मेरा ना है, वो तो मेरे आराध्य नारायण का अवतार, और छह बात मुझे यशोदा से छुपानी। बाबा वहीं खड़े मत रहो, अब आ भी जाओ ना। एक पग भी आगे बढ़ाने का साहस ना हो रो मेरा, हे प्रभु आप ही बताओ अपने आराध्य को, अपने इष्ट देव को अपने लल्ला के रूप में कैसे देख पाऊंगा मैं? मैं जानता हूँ बाबा ये बहुत कठिन है, पर भीतर तो आओ। अब आ भी जाओ बाबा, ऐसे बाहर कब तक खड़े रहोगे आप? बस बाबा बस आ जाओ भीतर, आ जाओ, आओ ना, आओ ना।
समझो? जब तू इधर उधर भाग रहे होगो तो तुझे बुलाने के लिए मैं तुझे ऐसे पुकारूंगी, कृष्ण, और जब तू शैतानी करेगो ना लल्ला, मैया को तंग करेगो, तो मैं तुझे क्रोध में ऐसे बुलाऊंगी, कृष्ण। इसे सत्य पतो ना है, इसीलिए कितनी अच्छी तरह से मैया होने का कर्तव्य निभा रही, पर मैं अब बाबा होने का कर्तव्य कैसे निभा पाऊंगा? सावधान, इतनी अच्छी लगी तुझे बाबा की डीजे माला कि मुंह में ले लियो तूने। जे मुंह में लेने की वस्तु ना है लल्ला। जैसे यशोदा आपको एक मैया की तरह सीख दे रही, मैं आपको बाबा की तरह शिक्षा कैसे दे पाऊंगा प्रभु? कृष्ण, अभी मना किया ना मैया ने? जे तो प्रभु को ही डांट रही है। सावधान, जो फिर से मुंह में लिया तो। यशोदा, तुम्हें पता भी है तुम किस पर क्रोधित हो रही? हाँ, अपने लल्ला पर, और किस पर? मेरे कहने का अर्थ जे है कि तुम्हें तुम्हें सच में पता भी है जे कौन है? जे स्वयं प्रभु ने मुझसे कहा है, किसी और प्राणी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, और रानी यशोदा को तो बिल्कुल नहीं, और रानी यशोदा को तो बिल्कुल नहीं, और रानी यशोदा को तो बिल्कुल नहीं। जे ही कहना चाहते हो ना आप कि मैं गोकुल के राजकुमार को डांट रही हूँ? अरे पर मैया और बाबा का स्थान तो हर पद से ऊंचा होता है ना जी। माँ और बाबा को तो अधिकार होता है ना प्रेम करने का भी और भूल पर डांटने का भी। बस यही बात आपको समझनी है बाबा, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं समझता हूँ जी, पर ये विचार के जे केवल हमारा पुत्र ना है, ये स्वयं नारायण का अवतार भी है, इसे अपने मन से निकाल ना पा रहा हूं मैं। ओहो, आपको समझाना तो मैया को संभालने से भी अधिक कठिन है बाबा। लल्ला, अरे लल्ला, यशोदा जी, आपने हमें नामकरण के लिए ना बुलायो। कोई बात ना है, लेकिन ये तो बताओ कि लल्ला का नाम क्या रखो है? हाँ भाभी, बताओ ना। हाँ जी जी, अब और प्रतीक्षा ना हो रही हमसे। इसका नाम रखो है कृष्ण। कृष्ण कृष्ण बहुत प्यारा नाम है, लेकिन थोड़ा कठिन है। मैं तो इसे किशन बुलाऊंगी। सही कहो, मैं भी इसे प्रेम से किशन ही कहूंगी। क्यों किशन? मेरे लिए तो जे किसना है। क्या कर रही है ये सब? बाबा, इन सब के लिए मैं केवल कृष्ण हूँ, भगवान नहीं। बस अब आप भी शीघ्र ही समझ जाओ ना ये। अरे तुम सब। हाँ हाँ, बुरा मुझे भी लग रहा है जो सारी की सारी पहले ही दिन मेरे लल्ला का नाम बिगाड़ रही है। किंतु इसमें भी इन सब का प्रेम ही छुपा है, और हम सब तो प्रेम से भगवान को भी प्यारा सा नाम दे देते हैं, है ना? हाँ। सत्य तो ये है कि कृष्ण नाम बहुत अच्छा है, किंतु मैं भी अपने लल्ला को प्रेम का नाम देना चाहती हूँ। कान्हा बुलाऊंगी इसे, कान्हा बुलाऊंगी इसे, कान्हा बुलाऊंगी इसे। कान्हा, अनोखी ध्वनि, सहज सा मीठा, मैं भी इसे कान्हा ही पुकारूंगी।
आप भी बुलाओ ना इसे, आप एक बार बुला कर तो देखो, झट से पलट कर देखेगा आपको जी हमारा नटखट कान्हा। प्रभु ये सब आपका सत्य ना जानती, पर मैं जानतो। अब इस मुख से आपका नाम केवल भक्ति भाव से ही निकल सकतो, वात्सल्य भाव से ना। जी की लल्ला का भी तो नामकरण हुआ था ना अपने लल्ला के साथ। हाँ भाभी, क्या नाम रखा गया है इसका? हाँ हाँ बताओ ना जी। हाँ भाभी बोलो ना, बोलो ना, बताओ ना जीजी। ना देखो, एक मैया से उसके लल्ला का नया नाम बताने का आनंद मैं ना छीन सकती। यदि तुम सबको कान्हा के दाऊ का नाम जाननो है तो चलो सबके सब रोहिणी जीजी के पास। हाँ, सही कहो, सही कहो। मैं अभी आई। हाँ सुनो जी, आप लल्ला को संभालो, मैं अभी आई रोहिणी। मैं कैसे जी प्रभु? लल्ला जी क्या मैं कर रहे हो? क्या होगा आपको? मैं शीघ्र ही आ जाऊंगी। यशोदा मुझसे दूर कब तक रहोगे बाबा? एक बार मेरी ओर देखो तो सही। मुझे दुविधा में डालकर आप मुस्कुरा रहे हो, ये कैसी परीक्षा है? ये क्या कर रहे हैं आप? पिता का स्थान पुत्र के चरणों में नहीं होता, पुत्र के सिर के ऊपर होता है उनका हाथ, उनका वरदहस्त। प्रभु आप चाहते हो कि मैं आपका सत्य यशोदा को ना बताऊं, यशोदा चाहती है कि मैं आपको लल्ला की तरह अपने गोद में उठाकर आपसे बातें करूं, मेरी आंखें चाहती हैं कि मैं आपको अपने इष्ट देव अपने आराध्य के स्वरूप में देखूं, और मेरा हृदय चाहता है कि मैं आपको अपने पुत्र के स्वरूप में देखूं। अब आप ही बताओ प्रभु, अब मैं इस परिस्थिति में क्या करूं? मुझे कुछ समझ में ना आ रहा। आप ही का आश्रय है प्रभु, आप ही को सहायता करनी होगी। आप ही बताइए कि किस प्रकार एक भक्त अपने भगवान को अपने लल्ला के स्वरूप में देखे, उसे अपने हाथों में उठाए, उसे खिलाए, उसके साथ बातें करे, कैसे वो उसका लालन पालन करे अपने पुत्र के स्वरूप में। प्रभु मुझे कुछ समझ में ना आ रहा, सहायता करो प्रभु। चिंता मत कीजिए बाबा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर शीघ्र ही मिलेगा आपको। ऋषि गर्ग पधारे हैं महाराज।
तो महान मथुराधीश कंस के दरबार में ऐसे सम्मान होता है ऋषि मुनियों का? नहीं नहीं ऋषिगण, ये तो केवल एक उदाहरण है कि कैसे एक विष्णु भक्त का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। तब तो अच्छा ही है। मैं यहां तुमसे सम्मान की अभिलाषा लेकर नहीं आया हूं, मैं यहां देवकी और वसुदेव से भेंट की इच्छा लेकर आया हूं। क्यों मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचना चाहते हो? जो सदैव दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र करता है उसका संपूर्ण जीवन इसी भ्रम में बीतता है कि सारा संसार उसके लिए षड्यंत्र कर रहा है। परंतु अन्य व्यक्तियों के पास इससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं करने के लिए। यह महत्वपूर्ण कार्य करने की आपकी यह इच्छा इस दरबार में पूर्ण नहीं होगी ऋषिवर। मैं आपको उन दोनों से भेंट करने की आज्ञा नहीं दूंगा। कैसे रोकोगे मुझे? कैसे? बड़ा ही विचित्र प्रश्न है, किंतु इसका उत्तर बड़ा ही सरल है ऋषिवर। जानते हैं मेरे दिन का आरंभ कैसे होता है? किसी ना किसी का संहार करके। और यदि एक संहार और हो जाएगा तो मुझे क्या अंतर पड़ेगा? स्वयं से एक प्रश्न पूछो कंस, स्वयं से एक प्रश्न पूछो कंस। मेरा संहार करने के लिए, मेरा संहार जिस संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, संकल्प शक्ति की आवश्यकता वो है तुम में, वो है तुम में। कर पाओगे मेरा संहार? जिस संकल्प शक्ति की आवश्यकता, जिस संकल्प शक्ति की आवश्यकता वो है तुम में, वो है। कर पाओगे मेरा संहार? कर पाओगे मेरा संकल्प शक्ति की आवश्यकता, संकल्प शक्ति की आवश्यकता। बोलो कंस, बोलो। यदि मैंने श्राप दे दिया, यदि मैंने श्राप दे दिया, कौन सा कवच तो तुम्हारा उसे सत्य होने से रोक पाएगा, उसे सत्य होने से रोक पाएगा? बोलो कंस, बोलो। यदि मैंने श्राप दे दिया, यदि मैंने श्राप दे दिया, कौन सा कवच तो तुम्हारा उसे सत्य होने से रोक पाएगा, उसे सत्य होने से रोक पाएगा? ऋषिवर, यदि आपके हृदय में स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र करने की इच्छा नहीं है तो महाराज भी आपको किसी से भेंट करने से रोकना नहीं चाहेंगे, है ना महाराज? हाँ, आप उन दोनों से भेंट कर सकते हैं। दुर्जन, इन सब पर दृष्टि रखो, अब सब कुछ सुनकर आना, सब कुछ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जाओ। लगता है प्राप्ति राजकार्य सीख रही है मुझसे। उचित समय पर सही सुझाव दिया तुमने प्राप्ति। अब आसानी से पता लग जाएगा कि ऋषि गर्ग के यहाँ आने का वास्तविक कारण क्या है। महाराज, स्वयं नारायण मेरे घर में है तो ये फूल उनके चरणों में क्यों चढ़ा रहा हूं? चित्तैया को मेरा लल्ला, किंतु बुरी दृष्टि वाला टीका लगाना तो भूल ही गई तेरी मैया। अभी आ। ओहो, नहीं नहीं बाबा,
ये फूल तो आपके चरणों के लिए ही बने हैं प्रभु, इन्हें स्वीकार करें। बाबा, ये सत्य मैंने आपको अपना साथ देने के लिए बताया था, अपने आप को फंसाने के लिए थोड़े ना। नारायण नारायण। प्रणाम पंडित जी। नंदराज जी, रानी जी, बिटिया के पाँव भारी थे ना, तो सेलीवाने समधियाने चला गया था, वहां कुछ अधिक ही समय लग गए। आज वापस आया तो पता चलो कि स्वयं गर्ग ऋषि ने लल्ला का नाम रखो है, सो मिलने चला है। क्या नाम मिलो है इसे? उन्होंने लल्ला का नाम कृष्ण रखो है, उन्होंने लल्ला का नाम कृष्ण रखो है। कृष्ण, आहा, उत्तम, अति उत्तम, बहुत मधुर नाम है। ऐसा लगता है जैसे आप स्वयं श्री नारायण का नाम ले रहे हैं। स्थिति को और गंभीर मत बनाओ पंडित जी, आपको तो बाबा के प्रश्नों का उत्तर देना है। एक बार मेरी ओर देख लो, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आपको इस समस्या को कैसे सुलझाना है। पंडित जी, मेरे लल्ला को टकटकी बांध के देखे क्यों जा रहे हैं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.